हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय हैप्पी स्पेस। सो आज बेबी को पूरा 6 दिन कंप्लीट हो गया, तो आज हम उसकी 6वीं सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो इसलिए आज दिल्ली से बेबी की दादी और बुआ भी आ रही हैं। तो आज का दिन तो बहुत ही स्पेशल होगा, और आज जो जो डेकोरेशन हमने सोचा है, जो आज जो भी कुछ होगा, वो आपको इस ब्लॉग में ज़रूर देखना होगा। आज का ब्लॉग भी बहुत स्पेशल है, और आज का मौसम भी इतना अच्छा हो रखा है कि क्या बताऊँ। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। जरूर लेके चले आए हैं उनकी मेरी बहन, मेरी मम्मी। और हाय हेलो। ज्यादा ठंड लगे हाय जहाँ बीच में होता नहीं हाथ हाथ धोने के, वहाँ थोड़ी देर जाकर खड़ी हो जाओ, थोड़ा गर्म हो जाओ। तो डेकोरेशन वाले आ चुके हैं, और डेकोरेशन का प्रोसेस यहाँ पे चालू हो चुका है, और हैवी ड्राइवर कैटरिंग का भी सारा काम स्टार्ट ही है। आज बस मौसम ने धोखा दे दिया है, और यहाँ पे बारिश देखिए अभी जस्ट अभी रुकी है थोड़ी बहुत, और यहाँ पे दर्शक एंजॉय करते हुए। अनन्या पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मतलब इतने सारे लोगों को देखकर वो इतना ज़्यादा डर रही थी कि मतलब जा ही नहीं रही थी। पर जब ढोल वाले आए उसके बाद उसका मूड इतना अच्छा हुआ है कि वो इतना डांस कर रही थी कि क्या पता है, आप सब देख सकते हैं वो कितना इन्जॉय कर रही है। अनन्या के साथ साथ यार सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे, आप देख सकते मेरी बहनें, हस्बैंड, इवन मेरी मम्मी जी कितना इन्जॉय कर रही हैं, डांस कितना इन्जॉय कर रही हैं। मेरे बाबा और मेरी बड़ी माँ ने भी बहुत इन्जॉय किया, मतलब इतना डांस उन्होंने किया था यार, इस उम्र में भी आके वो दोनों इतना डांस कर रहे थे कि क्या बताऊँ। और ये हमारी बच्चा पार्टी, आप देख सकते हो दोनों सब तैयार हो गए और सब चिप्स के मज़े ले रहे हैं। सो ये है फाइनल डेकोरेशन, आपको कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
काजल लग्न की सेरेमनी स्टार्ट होने जा रही है और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने बेबी बॉय का नाम अद्वैत रखा है और ये नाम भी आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। काजल लगने के बाद और केक कटने के बाद फिर सब औरतों ने सोहर गाया था और हमारा फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। और अब मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पर करती हूँ और आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।